अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कल अगर ये एक और एपिसोड में आप लोगों को खुश आमदीद। आज मैं जा रहा हूँ सुल्तान के खूह, वहाँ जाके हमने गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम इंस्टॉल करवाना है और भी कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी जो ख़राब है उनको हमने ठीक करवाना है। मैं आपको गाड़ी की चीज़ें भी दिखाता हूँ और साउंड सिस्टम भी दिखाता हूँ जो है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा सुल्तान के खूह की तरफ। अच्छा, गाड़ी की चीज़ों पर आएँ तो सबसे पहले इसकी वाली शील्ड आती है, ये शील्ड उस साइड की है नहीं, इस साइड की भी टूटी हुई है। उसके अलावा लाइटों का पता करें, लाइटों की कंडीशन आपके सामने बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उसके बाद आते हैं इसकी फॉग लाइट्स पे, फॉग लाइट भी लगी हुई नहीं है, वो लगवानी है। अच्छा, गाड़ी के अगर साउंड सिस्टम पे है तो ये वही वाला वूफर है जो कि हमने 82 में भी लगाया था, रिबॉन में भी लगाया था। उसके अलावा ये एम्पलीफायर भी वही वाला है, हर बार जब भी गाड़ी बेचता हूँ ये ख़र्चा मैं बचा लेता हूँ। तो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा सुल्तान के खूह, वहाँ जा कर सारी आपको डिटेल देता हूँ। आज हमें फिर से ज्वाइन किया है मुदस्सिर साहब ने, जो कि पहले बहुत गंदी शक्ल बना के खड़े थे क्योंकि मैं इनका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, इन्होंने भी कहीं काम से जाना है। असल में जाएँ जी काम से रहे हैं, लेकिन हम मुफ्ते में जा रहे हैं, गाड़ी तो मेरी जा रही है लेकिन पेट्रोल इनका लग रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं सुल्तान के खूह और इंशाल्लाह वहाँ जाके आप लोगों से मुलाकात होती है। ये जी अभी फ्रेश फ्रेश चलान हुआ हमारा एग्जॉस्ट पे और इशारा तोड़ने पे, उसके अलावा नंबर प्लेट्स ओरिजिनल लगी हुई, बाकी हमने इशारा यार मैंने तोड़ा ही नहीं है भाई। येलो लाइट थी, येलो लाइट अभी हुई थी जब मैं मोड़ा था, अब उन्होंने डाल दिया फकी, तो बस क्या करें, 800 रुपये की फकी ठुक गई है। तो बहरहाल अब यहाँ से निकलते हैं सीधा सुल्तान के खूह पहुँचते, फिर आगे जो मामला होंगे। 800 रुपया तो यही पे लग गया मुफ्त में। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ सुल्तान के खूह में और अभी जाऊँगा सीधा साउंड सिस्टम जिनसे मैं लगवाता हूँ अमान भाई से, उनके पास उनको मैंने कॉल कर लिया, वो कहते हैं गाड़ी ले आओ, बस उधर जाके गाड़ी लगाते हैं और फिर साउंड सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाते हैं। उसके अलावा साइड मिरर्स का थोड़ा सा मसला है, उनका काम भी कराते हैं। मैं गाड़ी लोकेशन पर लगा लूँ फिर आपको आगे का सीन दिखा सकते हैं। मैं आगे हूँ लोकेशन पर, गाड़ी मैंने लगा दी है, बाकी ये अमान भाई की दुकान है और इधर ये सारे मल्टीमीडिया स्टेयरिंग होते हैं। ये वूफर है, इसका डब्बा चेंज कराना है, ये वो सिविक एक्स का भाई की गाड़ी का, इसका डब्बा चेंज होगा सारा। उसके अलावा ये जो अंदर जितना भी इसका एम्पलीफायर वायरिंग और बाकी जो चीज़ें वो नहीं है। अभी फटे की बात चल रही थी, जो डिग्गी का फटा है वो एक अंकल हैं, अभी वो जा रहा हूँ मैं देखने, जो फटा दिखाते हैं, दो फटे दिखाएँ, एक 1300 वाला और एक 1500 वाला, अब देखते हैं कौन सा वाला सही है, फिर वही वाला लगवा लेते हैं। ये वाला बॉक्स है और ये प्राइस पे ये देखें, वैसे हम जो गुजारी है ना जी, वो ये डालते हैं, ये वाली कौन सी, ये वाला। अच्छा, ये टूट जाएगा। हाँ, ये तो टूट जाएगा, लगा के दूंगा ना, ये देखें ये वाली, इसमें वजन भी हल्का और चीज भी कमजोर है। ये कितने की बनेगी? ये आपको वो लगाना, वो 2000 रुपये का बनेगा, ये बनाएगा 2500 रुपये का, पूरा कटिंग का कार्पेट आपके ऊपर आ जाएगा। ये अभी आपको दूसरा बता देना कि 1300 रुपये की, ये 1300 रुपये का, 1300 तो हेल बॉक्स बताया ना, वो डब्बा भी। अच्छा अच्छा, ये 2500 रुपये का आपको पूरा पीस चाहोगे ना इतना, और कारपेट लगा के कितने में पड़ेगा? कारपेट लगा के डाल देता है। अच्छा, इसमें क्या देता, मैं पक्का कर देता हूँ, सोचने लेकिन सफाई नहीं होगी। हाँ ठीक, ये 2500 रुपये का ये काम, इंशाल्लाह आप एकदम लगा रहे जब तक गाड़ी नहीं। ये कौन सा होगा, फोल्डिंग वाला? फोल्डिंग ये सीधे अंदर जाएगा पीस पूरा, नहीं अगर टायर शायर उठाना हुआ कुछ तो करना, ये निकलेगा ना ऊपर, वो वूफर भी तो पड़ा ना, तो ये तो दरमियान से उसको ना कब्जा लगा दीजिएगा, वो टूट जाएगा, तो मजबूती नहीं होगी, इतने में तो टायर नहीं निकलता। क्योंकि जो जानवर भी आते हैं ऐसे ही इतना पीस होता है, अंदर ढल जाता है, ऊपर आपकी कार्पेट आएगी सही, उस कार्पेट के साथ में लेके आता हूं। अच्छा, वो जो डब्बा आप बता रहे थे उसके, उस डब्बे पे ऊपर आपने देखा कितना चकोर से इतना सा सुराख है, उसके ऊपर वो लगी हुई है, वो लगा दूंगा, उसकी बात नहीं है, खोल के देगा, मैं लगा देंगे, वो ग्रिप सिस्टम लगाए तो बेहतर रहता है। अच्छा, वो ग्रिप मिलती है ना, वो लगाए? नहीं, वो असल में इस गाड़ी का नहीं, दूसरी गाड़ी का, तो ग्रिप लगवा लें, उसमें सेटिंग हो रही है, तो ये लगा देंगे इसको, फिटिंग डब्बा तो ले आओ,
उठा के तो मैं खोल के आपको कनेक्शन कर देता हूँ, वो पारियाँ लगा रहे हैं। चले वो देखते हैं, वो मेरे ख्याल से कटाई होगी हल्की सी और उसके ऊपर होती है 4 स्क्रू लगे हुए हैं, वो लग जाएंगे। डब्बा तो ये है और ये कहते हैं तो मैं कार्बन ला के 2500 का ये बन जाएगा आपका 1300, इसमें कमी 1325 आपका बनते हैं 3800 बनते हैं, आप 100 रुपये कम दे देंगे 3700 रुपये दे 100 रुपये के। ये चीज़ अच्छी वाली है, आप इंशाल्लाह ये याद करेंगे, आपको चीज़ याद है। वैसे ये ये मिलते हैं बाजार में, ये 2000-2500 का ये देते हैं रेडीमेड जो बने आते हैं, 3700 बनता है। वो पूरी कटिंग डालेंगे ना इसकी, जितना उसके अंदर इजी जाए बैठ जाए इतना पूरा पूरा आएगा आपको। ये फ्राई हो गया और पानी से भी खराब नहीं होगा ये, अच्छा और उठाने में भी इसका वजन कम और मजबूती में क्या हो। आप लोगों ने रेट तो सुने होंगे, क्या रेट चल रहे हैं इधर। अभी फिलहाल अमान भाई काम शुरू कर चुके हैं जी। अमान भाई तारे शारे सारी पूरी हैं? पूरी नहीं है नहीं। क्या चीज काम है? बैटरी वायर है वो काम है। अच्छा वो लेंथ में काम है वो उधर लगा है ना। अच्छा हाँ बैटरी उस साइड पे। फिर ये डिग्गी में फिट कर रहे हैं एम्पलीफायर करने, इधर करने तार कम है, तार कम है। अच्छा इस पर कैसी फिटिंग होनी है? इसके ऊपर फिट कर देंगे। नहीं वूफर के ऊपर ना होना, वूफर निकालना भी होता है ना, फिर सीट के नीचे कर दें। कौन सी सीट के नीचे? उसी सीट के नीचे कहाँ पे तार पूरी हो जाएगी वो सीट आप रख लें। तार तो फिर स्पीकर पे भी डालना पड़ेगा ना, स्पीकर की भी डालनी पड़ेगी, स्पीकर के भी नए तार डालना पड़ेगा उधर तक। ये तारें पूरी नहीं होती? नहीं नहीं। कौन से है? बेज है, बेज। ये तो काले के लिए चले गए, इसे डिजाइन में मजे का नहीं है। नहीं वो कर लेंगे ना, क्या कहते हैं रंग कर लेंगे ना, डिजाइन मजे का नहीं है इसमें, और डिजाइन नहीं लगता। अगर इस पर आप वो लगाओगे ना क्या कहते हैं इसी तरह का, ये भी नहीं अच्छा लगेगा। बस ये डिजाइन यही है इसमें, नहीं नहीं फिर खैर इसमें और नहीं लगते, फिर टच होते हैं उन चीजों पर। हाँ वो तंग होते हैं फिर, वो तो फिर रहने में फिर रहने। बाकी काम तो चल रहे हैं, अभी जाके इस गाड़ी के लिए जो डिग्गी वाला मैट होता है उसका पूछ लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि मैट डालें जो हार्ड वाला मैट होता है, ट्रंक मैट होता है वो डालें या फिर जो इसका फटा बन रहा था वो बनवाएं। तो आगे जाता हूँ डेकोरेशन वाले से वो पूछता हूँ। और दूसरा काम एक और ये था कि इसका ना जो साइड मिरर्स है उनका काम करवाना है, वो सही काम नहीं करते, क्लिप टूटे हुए उनके, वो बंदे को बुलाते हैं उसे वो दिखाते हैं, वो फिर आगे क्लिप सेट करेगा। हाँ ये इसमें प्ले है और दूसरे वाले में भी है। फोल्डिंग फोल्डिंग ठीक है? फोल्डिंग भी चेक कर लें, एक थोड़ा सा ना थोड़ा सी लेट खुलता है, खुलता है लेकिन एकदम झटका मारता है। चाबी लगी है, स्विच ऑन कर लें, स्विच ऑन कर लें। अच्छा देखिए हल्का झटका मारेगा ये, क्या मसला है इनका? तो जो इसकी मोटर डलेगी और ये अंदर से टुकड़ियाँ जो दे रही हैं ये चेक कर दो, इनका मसला क्या? खर्चा कितना आएगा? खर्चा तकरीबन चेक करके बता देते हो ना आपको इसका क्या मसला है। सारा पहले भी रिपेयर हुआ है ये देखे ना, अभी देखे सारा टूटा हुआ है ये देखे, तो सारा रिपेयर करना पड़ेगा। ये भी रिपेयर है।
खर्चा कितना है? 2000 रुपये आएगा सारा। 2000 बंदा 25 से 2000 दे। अच्छा, अभी गाड़ी का एम्पलीफायर और वूफर इंस्टॉल हो चुका है, अब अगला काम जो करना है वो इसके साइड मिरर्स जो हैं उनका काम करवाना है। तो यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको आगे क्या शीशों का काम तो चल रहा है, वहाँ बंदा चला गया उसके साइड मिरर्स खोलने के लिए। और मैं आया हूँ ज़रा से की वो जब बम्पर्स के साथ अगले बम्पर्स के साथ जो शील्डें लगती हैं वो टायरों के ऊपर जो होती हैं वो लेने के लिए, वो यहाँ से लेते हैं और फिर वापस उतर जाते हैं और फिर वही अपना शीशों वाला काम कराते हैं। मैं कहता हूँ जी महंगाई टिका के हो चुकी है और सिविक 2005 लेने से बेहतर है कि बंदा सिविक 2018 ही ले ले। अभी उसके बम्पर मैंने पता किए हैं लोकल जो आते हैं तकरीबन मिले हैं मिल रहे हैं 15,000 रुपये के, और एक्स का बम्पर पता किया है सिविक एक्स 2018 जो अभी एक्स 18 से जो 21 तक आई है उसका 5500 का बम्पर। अभी ये शील्डें ली हैं मैंने, ये शील्डें सिर्फ मिली हैं 2500 रुपये की और इनके साथ इनके बखियाँ मिलती हैं, वो क्लिप जो होते हैं वो मिले हैं तकरीबन 200 रुपये के। तो भाई निकली है शील्डें सिर्फ 2700 रुपये में पड़ी हैं, ये भी आवाज़ से उड़ी थी और उनका बड़ा गर्क हो गया। ये शील्डें लेके आ चुका हूँ और गाड़ी के साइड मिरर्स का काम चल रहा है, खुले हुए हैं दोनों, ये भी खुला हुआ है उस साइड से भी देखते हैं, ये भी खुला हुआ है, तो वहाँ पर इनका काम चल रहा है, देखने कितना टाइम लगता है। यहाँ से फिर फारिग होते हैं फिर आपको टोटल ख़र्चा बता दूँ। गाड़ी का इस वक्त फटा भी बन गया और वो पीछे डिग्गी में डाल भी दिया है, उसके अलावा अभी बस आखिरी काम पे जा रहे हैं जो कि इसके साइड मिरर्स का है, साइड मिरर्स इसके बस फिट करवाने वहाँ रिपेयर हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको आगे का सीन दिखा दूँ। जैसे शीशों वाला काम हो चुका है आप लोग देख सकते हैं और इसकी मोटर जो है वो अभी जो इसकी एडजस्टिंग की होती है नीचे ऊपर नीचे करने वाली वो काम नहीं कर रही, अब वो पता नहीं बटन का प्रॉब्लम है या मोटर का मसला है। बहरहाल भाई ने कहा है कि वो मसला जो है अगर मोटर का हुआ तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है, जो पैसे उनको दे दिए वो नहीं करेंगे, वही रहेंगे उसके उसी में उन्हीं पैसों में खोल के दोबारा मोटर सेट करके देंगे। अगर कनेक्शन का मसला है तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम है, तो इस पर अभी उन्होंने मेरे से ले लिया 1450 रुपया। बाकी घर जाते हैं आपको एक एक खर्चा बताता हूँ और जो जो चीज़ें लगाई हैं वो सारा कुछ आपको घर पहुंच के बताता हूँ। इस वक्त मैं घर वापस आ चुका हूँ और आपको खर्चे बता दूँ और जो जो चीज़ें लगवाई हैं वो बता दूँ। सबसे पहले साइड मिरर, इसको रिपेयर करवाया और दूसरे वाले को रिपेयर करवाया, तो इस पर जो मेरा ख़र्चा है वो तकरीबन 1450 रुपये आए हैं, 2000 मांग रहा था बड़ा मुश्किल से 1450 रुपये आया। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ, वो है ये शील्डें, ये शील्डें आई हैं 2500 रुपये की। उसके अलावा नीचे आप लोगों को फट्टा है, पहले तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ये फट्टा लगवाया है जो कि फोल्ड भी हो जाते हैं यहाँ से, ये कब्ज़े वाला है फोल्ड होकर फिर अंदर डाल जाते हैं और सही प्रॉपर बैठा है गाड़ी में। तो फट्टा जो बना है वो तकरीबन 3000 रुपये का बना है, तो ये आज का था। हाँ, इसके अलावा ये वूफर जो पड़ा है इसे कनेक्शन कराया, एम्पलीफायर चलवाया, स्पीकरों की तारें डली हैं और इसकी मजदूरी दी है मैंने 800 रुपये, तो 800, 2500, 3000 और 1450, ये मेरा टोटल का खर्चा था, टोटल खर्चा इतना आया। तो उम्मीद करते हैं यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।